सो गाइस, आज जो आपके सामने है हिमालयन BS6 का न्यू मॉडल 2021 की, जो आप देख सकते हो, आपको जो है कुछ ऐसी इसकी की मिलेगी, रॉयल एनफील्ड का लोगो। अभी देखते हैं क्या कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ नया आया है। ये जो कलर है, ये जो है सिल्वर कलर, इसका नया जो नया सिल्वर कलर अभी इसमें लॉन्च किया गया, उसके अलावा भी काफ़ी सारे लॉन्च किए गए कलर। इसकी जो प्राइस है वो है लगभग 2,01,000 के करीब जो है शोरूम प्राइस है, ऑन रोड जो है लगभग 2,36,000 के अराउंड जो है जाती है। जो आप कलर देख सकते हो, कलर जो है काफ़ी शानदार लग रहा है। ये जो है ज़्यादातर इसमें आपको सिल्वर ही यूज़ देखने को मिलेगा, उसके अलावा जो है कुछ आपको ग्राफिक्स टाइप में पट्टी देखने को मिलेंगी इसमें कुछ ऐसे कलर की, तो ये भी जो है देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और लुक्स को जो है और ज़्यादा एनहेंस कर रही है। सो यहाँ पर जो लुक्स थोड़ा आपको अच्छा लगेगा इनकी वजह से, हिमालयन की जो है बीच में बेजिंग जो कि ऑल्सो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छा फील देगा जो इसका हिमालयन के बीच में पूरा जो लोगो टाइप दिया गया है, ये जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसके इस कलर पर। आपको बता दूँ इसमें जो चेंजेस हुए उनके बारे में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियर से। रियर में जो आपको मडगार्ड में कोई चेंज नहीं देखने मिलेगा, उसके अलावा जो आपको जो चेंज देखने मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे साइलेंसर पे। यहाँ पे जो पार्ट है ये जो है पहले आपको इसी कलर में देखने मिलता, लेकिन अभी जो है आपको ब्लैक कलर में देखने मिलेगा। उसके अलावा पीछे की साइड में जो है आपको ये भी चेंज देखने मिलेगा, ये जो है अभी आपको देखने को मिलता जो कि पहले आपको नहीं देखने मिलता था। पहले जैसे मिलता था, पहले जो मिलता था वो जो आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो पहले जो है गाइस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता था, जो BS6 अभी लेटेस्ट मॉडल आया था उसमें जो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता था। सो अभी आपको जो है काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा, एंड अभी आपको फालतू की कोई एसेसरीज लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे जो है अभी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। उसके अलावा रियर में आप देख सकते हो LED टेल लाइट आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो सीट्स हैं उनका भी कंफर्ट काफ़ी हद तक जो है बढ़ा दिया गया अभी इस मॉडल में। जो कुशनिंग है वो जो है और ज़्यादा सॉफ्ट एंड जो है और कंफर्टेबल आपको सीट्स देखने को मिलेंगी पहले के कंपेयरिंग में। सभी जो है लॉन्ग राइड्स और ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। सो आप जो है अभी इस बाइक को ले सकते हो, लॉन्ग राइड्स में जो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंजन के बारे में बात करूँ, सेम वही इंजन है, कोई भी जो चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। जो इंजन आपको पहले मिलता था वही सेम इंजन जो है अभी आपको देखने को मिलता है। फुटपैड्स वगैरह, ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह, ड्यूल चैनल ABS, सब कुछ जो आपको वही देखने को मिलता है। अभी चलते हैं फ्रंट में, देखते हैं फ्रंट की साइड में जो है क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। फ्रंट में यदि मैं चेंजेस के बारे में बोलूं तो यहाँ पे जो विंडशील्ड आपको पहले बिल्कुल मतलब वाइट ट्रांसपेरेंट में देखने को मिलती थी, वो जो अभी थोड़ी सी ब्लैक आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ये आपको चेंज देखने को मिलता है। जो पहले आपको मिलती थी वो कुछ इस तरह की मिलती थी, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ओल्ड मॉडल भी, वो जो है कुछ ऐसी आपको देखने को मिलती थी। और इसमें जो आपको फ्रंट में रॉयल एनफील्ड की जो है बैजिंग भी नहीं देखने को मिलती थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में जो आपको कोई रॉयल एनफील्ड की बैजिंग नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन जो न्यू मॉडल उसमें जो आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलेगी फ्रंट में। तो यहाँ पे जो है ये पूरा जो लोगो यहाँ पे मिलता है ये जो आपको काफ़ी शानदार लगेगा, एंड यहाँ पे ये देखने में जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ चेंजेस किए गए हैं फ्रंट की साइड में। बाकी मडगार्ड वगैरह, टायर साइज वगैरह, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। हेडलाइट जो है वही आपको हैलोजन में देखने मिलेगी, एंड LED जो है आपको DRL देखने को मिलेगी, जो कि आपको दिखा देता हूँ एक बार जला के। सो यहाँ पे जो है आपको LED में देखने को मिल जाती है, जो कि पहले भी आपको LED मिलती थी। तो यहाँ पे जो फुली लाइटिंग सिस्टम वो जो आपको हैलोजन देखने को मिलेगा, जो मेन हेडलैम्प है वो जो है हैलोजन में, इंडिकेटर्स भी जो आपको हैलोजन देखने को मिल जाते हैं। यू कैन सी यहाँ पे जो आपको हैलोजन में इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, जिनकी की विजिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको LED वगैरह के कंपेयरिंग में। तो यहाँ पे जो है ये जो रिफ्लेक्टर्स है ये जो है काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो है इसमें जो अभी आपको ट्रिपल नेविगेशन देखने को मिलेगा, जो कि पहले आपको नहीं देखने को मिलता, जो कि मीटियोर में आपको देखने को मिलता है। वही सेम जो है पूरा नेविगेशन सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी जो इसको ऑन करते हैं, देखते हैं पूरा इसका मीटर कंसोल। अभी जो है इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ा सारा मीटर कंसोल इसमें दे दिया गया है। तो देखते हैं एक बार ऑन करके इसको, एक बार जो है झलक आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जो है गाइस आप देख सकते हो सारी डिटेल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, पूरा स्पीडोमीटर, पूरा ओडोमीटर वगैरह सब कुछ जो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, टेम्परेचर, टाइमिंग वगैरह, माइलेज वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको RPM भी शो करता है इसके अंदर, इधर स्पीडोमीटर वगैरह, इधर सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह, न्यूट्रल वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, हाई लैम्प, हेड लैम्प वगैरह, बैटरी वगैरह का मॉल फंक्शन लाइट वगैरह, हर चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ABS वगैरह की भी लाइट देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे नीचे जो आपको फ्यूल का मिल जाता है मीटर, एंड इधर की साइड में जो है आपको कंपास मिल जाता है। सो यहाँ पे अभी जो है देख लेते हैं इस वाली MID में आपको जो है जब तक ही कनेक्ट नहीं होगी ब्लूटूथ से, जब तक आपने कोई नेविगेशन नहीं लगाया होगा, तब तक जो इसमें शो करेगा पूरा टाइमिंग, रियल टाइम जो चल रहा है वो। एंड जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर लेते हो ब्लूटूथ से, उसके बाद में जो है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे आपको चलना है वैसे जो है यहाँ पे शो करेगा कि आपको जो है किधर यू टर्न लेना है, किधर जो आपको चलना है, किधर टर्न लेना है, हर चीज़ जो है यहाँ पे शो करेगा आपको ये ट्रिपर नेविगेशन। सो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो भैया ये कुछ चेंजेस
से जो कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए हैं, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस जो है किए गए हैं, इंजन वगैरह जो है सब कुछ सेम, उसमें जो आपको कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो चेंजेस थे जो सबसे मेन चेंज था वो था इसका ट्रिपर नेविगेशन, उसके अलावा जो है कुछ खास आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ये जो कलर है अपना जो है मिराज सिल्वर, सो ये जो है कुछ आपको कलर मिल जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कलर से फोटो जो है स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, उनका भी रिव्यू जो है करेंगे जल्दी यदि शोरूम में आते हैं तो। बाकी गाइस आज की वीडियो में एक छोटा सा वॉकराउंड रिव्यू था, अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।